अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और टेस्टी सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले बनाएंगे क्रिस्पी चिकन सैंडविचेस। उसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम शेरिड चिकन, 2 बॉयल्ड पोटैटोज, 5 to 6 ग्रीन चिलीज, हाफ चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 4 टेबल स्पून बेसन। तो चलिए अब बनाते हैं। अब हम एक बाउल में आलू डाल के उसको अच्छे से मैश कर लेंगे फोर्क की हेल्प से। हमने जो आलू थे उसको मैश कर लिया है। इसमें हम ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे, हाफ चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे, कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे, हाफ अ टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे, और हाफ अ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो रही है सैंडविचेस के लिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। और जो हमने इसमें जो श्रेडेड चिकन लिया है वो भी ऐड कर देंगे। ये मैंने चिकन बॉईल कर लिया था पहले, तो यहाँ पे हमने वो भी ऐड कर दिया है। और हाफ अ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की हेल्प से अच्छे से हो जाता है। उसको अच्छे से पूरा स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे सैंडविचेस के लिए। आलू की स्टफिंग के साथ चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक बनाता है सैंडविच को, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं अच्छे से मसाले आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में बेसन में रेड चिली पाउडर जो हमारा था उसको ऐड कर देंगे, हाफ अ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बहुत थिक बैटर नहीं बनाना है आपको, बस ब्रेड डिप हो जाए इतना कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। तो अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छे से आपको ऐसे तैयार करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसमें चलाते रहेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं कितना नाइस बैटर हमारा तैयार हो गया है। हमने पैन को हीट करने के लिए रख दिया है। देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। देखिए इसको। अब हमने सैंडविचेस की फॉर्म में ब्रेड को कट कर लिया है। अब जो हमारी स्टफिंग थी अब हम उसको इसमें फिल कर देंगे। अच्छी तरीके से फिल करना है। बहुत ही क्रिस्पी सैंडविचेस बनते हैं ये, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ऐसे ही हम बाकी के सारे सैंडविच तैयार करके रख लेंगे। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, ये बहुत ही लेस ऑयल में बन जाते हैं। और अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसको ऐसे डिप करेंगे हल्का हल्का, बहुत केयरफुली डिप करना है ताकि ब्रेड टूटे ना। अब इसको हम इसमें पैन में डाल के शैलो फ्राई कर लेंगे। हम देख सकते हैं कितना क्रिस्पी ये फ्राई हो रहा है। ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ हो रहा है इसमें, और इतने कम ऑयल में आपका सैंडविच भी तैयार हो जा रहा है। तो बस ऐसे ही हम सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे सैंडविच तैयार हो गए। अब हम बनाते हैं पोटैटो सैंडविचेस। उसके लिए हमने सारे इन्ग्रीडियंट्स सेम वही लिए हैं, बस हमने
उसमें चिकन ऐड नहीं किया है, अब इसकी भी स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। इसमें हमने ग्रीन चिलीज, अनियन, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट ये सब ऐड किया था और हमारी ये स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको ब्रेड को लेके एक स्लाइस को लेके सर्कल में कट कर लेंगे। ऐसे बाकी स्लाइसेस को भी हम कट कर लेंगे सर्कल की शेप में एक ग्लास की हेल्प से। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखें आप इससे सैंडविच की कितनी यूनिक शेप आएगी। और इसको एक रोलिंग पिन की हेल्प से हम अच्छे से रोल कर लेंगे, बेलन से अच्छे से इसको बेल लेंगे। ऐसे ही हम सारे बेल के रख लेंगे और अब हम इसमें स्टफिंग को स्टफ करेंगे। इसको बहुत अच्छे से आपको स्टफ करना है क्योंकि बेलने के बाद ये काफ़ी पतला हो जाता है। ऐसे इसको अच्छे से इसके कॉर्नर्स को प्रेस कर देंगे। ये सैंडविचेस टेस्टी और स्पाइसी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। ऐसे इसको प्रेस करके हमें रख लेना है। आप देख सकते हैं हमारे सारे सैंडविचेस हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं। पैन को हीट करके उसमें बहुत हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसको सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी कम ऑयल में ये सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में। फटाफट से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। जब भी आपके बच्चों का कुछ चटपटा खाने का मन करे या आपके घर में बड़े हों उनका खाने का मन करे, फटाफट से ये नाश्ते में या इवनिंग स्नैक में, ब्रेकफास्ट में, किसी में भी बना सकते हैं। अब इसको हम टर्न कर देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे एक एक करके। देखें कितने अच्छे क्रिस्पी फ्राई हुए हैं ये। बहुत ही लेस ऑयल में हमने इसको सेका है। बहुत हल्का सा ऑयल और डाल देंगे। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे केचप के साथ और रेड चटनी के साथ। कितने अच्छे लग रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाते हैं एग स्टिक्स फ्रॉम ब्रेड कॉर्नर्स। जो हमारे ब्रेड कॉर्नर्स बचे थे सर्कल सैंडविचेस बनाने में, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे दो अंडे लेंगे, उसको एक बाउल में डाल लेंगे। बहुत ही कम मसाला जाएगा और हमारा जो ब्रेड स्लाइसेस के जो कॉर्नर्स बचे थे वो भी हमारे यहाँ यूज़ हो जाएंगे। कितना यूनिक है ना, और वो हमारे वेस्ट भी नहीं होंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, पर अगर आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं तो आप इसको उस टाइम ऐसे ही यूज़ कर लें। अब इसमें हमने रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें जो हमारे ब्रेड के जो कॉर्नर्स थे उसको हमने देखिए ऐसे कट कर लिया है और इसको हम ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से डिप कर लेंगे ताकि जो एग है आपस में सारे स्लाइसेस पे अच्छे से लग जाए। इसको अच्छे से डिप कर लेंगे। देखें एग में इसको हमने डिप कर लिया है। ऑयल डाल के हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम रखेंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपके कॉर्नर्स वेस्ट भी नहीं होंगे और बहुत टेस्टी भी लगेंगे। इसको सिकने देंगे और फिर उसके बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे ऐसे पैन को हिलाते हुए ताकि ऑयल पूरा आ जाए दूसरे पे।
इसको सेक लेना है हमें। ये हमारे सिक रहे हैं, अब इसकी हम एक एक करके साइड को चेंज कर देंगे। ये हमने साइड चेंज कर दी है, इसको हमें लो फ्लेम पे करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब हमारे ये फ्राई हो चुके हैं, इसको हम कट कर लेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।